तो योगी 2.0 का पहला बजट आ ही गया। उम्मीदें थी कि जनता ने जिस तरीके से सरकार को फिर से सत्ता में वापस लेकर आई तो सरकार भी जनता को कुछ वैसे ही बजट के रूप में कुछ देगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। अब की बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया है प्रदेश के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट, जिसे योगी सरकार ऐतिहासिक भी बता रही है। खैर, इस बजट में महिला सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है, और तो और किसानों के हित का भी ख्याल रखा गया है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,670 करोड़, काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़, बिजली में रीवैम्प के लिए 31,000 करोड़ का बजट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1,353 करोड़, बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़, सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़, अटल आवासीय विद्यालय के लिए 300 करोड़, एनएचएम के तहत 10,547 करोड़, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़। इसके अलावा मेट्रो रेल परियोजना को भी आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट, आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट, बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल सेवा शुरू होगी। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। कुल मिलाकर बजट को ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है। खैर, अब ये जनता ही तय करेगी कि आखिर ये बजट कैसा है। टाइम्स नानो भारत डिजिटल की रिपोर्ट।